दिन भर आज पहले इनसे मिल लीजिए, दिन भर आज बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेसफुल रहे हैं, रास्ते में बहुत थकान हुआ। hey, झारखंड वेलकम सास, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। झारखंड से निकलने से पहले हमने सोचा अपनी गाड़ी का जो है टैंक फुल करवा लें। एग्जीबिशन रोड में गए, कुछ कुछ सामान लेना था गाड़ी। हेलो एवरीवन, ब्लॉग स्टार्ट होते ही देख लीजिए एक्सीडेंट दिख गया आपने को साइड में, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं आप लोग बता दूं, अभी हम अपना ड्राइव स्टार्ट कर चुके हैं, हम यहाँ से निकलेंगे सीधा झारखंड के लिए। अभी मैं हूँ ये राजापट्टी गोलंबर है, आप लोग एक बार देख लें। तो यहाँ से ये राइट लेने पर मसरक जाता है, बट हम ये सीधा स्ट्रेट जाएंगे, डायरेक्ट तरैया मार्केट में निकलेगा। ये उधर से थोड़ा सा शॉर्टेस्ट पड़ता है 5-10 किलोमीटर जैसा, इसलिए प्रेफर करा हमने। बाकी अगर आपको कार से जाना है तो आप सीधा मसरक ही निकलो, क्योंकि वो वाला रोड बेस्ट है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप बताओ। और ये आप पटना जाओ और अगर मसरक मार्केट में घुस जा रहे हो तो ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देख लीजिए कैसे अपनी गाड़ी फंसी हुई है, बहुत लंबा ट्रैफिक दिख रहा है। तो रुकेंगे थोड़ी देर, क्या कर सकते हैं, उड़ा तो सकते नहीं है। बैक में भी मोड़ लेते लेकिन उधर भी नहीं मोड़ेंगे, पीछे गाड़ी है। तो देखते हैं कब तक खुल रहा है। एक लंबे ट्रैफिक के बाद देख लीजिए हमें क्या मिला सामने, देखिए RJD लवर, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, पापा घर जल्दी आना। मतलब ये सब चीज़ देख के दिन बन गया मेरा, थोड़ा सा फ़ोन हिल जा रहा है, बट आप लोग एक बार देख लो, भैंस लदी हुई है और RJD लवर लिखा हुआ है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है ना रोड पर, तो मतलब एकदम से मज़ा आ जाता है, एकदम से मज़ा आ जाता है। भाई क्या बोला जाए इसको, आप ही बताओ। तो फाइनली अभी मैं पहुँच गया हूँ शीतलपुर रेलवे फैक्ट्री के पास, और यहाँ पे ये देख लीजिए अंदर हुआ, स्माइल देंगे और अब दिन अपना बनेगा। फिलहाल हम यहाँ चाय वाय पीने के लिए रुके थे, तो फटाफट चाय पी लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी बहुत लंबा जाना है। और ये ब्रिज आप लोग गेस करके बताओ कि मैं कौन से ब्रिज पर हूँ, हालाँकि जो लोग पटना आते जाते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। ये जस्ट यहाँ से चढ़ते ही हैं, बट एक बार आप लोग इसका व्यू देख लो, अभी तो बहुत क्लीन है ये, ये सीधा जाके मिलेगा आपको ये दीघा वाले ब्रिज में, इसमें कहीं उतरना नहीं है। जिसको जिधर जाना है आप वहाँ से मरीन ड्राइव से उतर के PMCH दीदारगंज अटल पथ जिधर जाना है आप जाओ, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो अभी हैं हम अटल पथ पे, हम डायरेक्ट एम्स एलिवेटर पकड़ के जा सकते थे झारखंड, क्योंकि हमें पलामू जाना है, बट अभी पटना में कुछ छोटा सा काम है तो हमने अटल पथ पकड़ के सोचा कि वो निपट के फिर यहाँ से गोला रोड जाएंगे, फिर वहाँ से एम्स एलिवेटर के आसपास होके निकल लेंगे। फिलहाल फटाफट बढ़ जाते हैं, इस पर ज़्यादा स्पीड चल नहीं सकते हैं, 60 ही तक रहेंगे, क्योंकि इस पर स्पीड सेंसर्स और कैमराज लगे हुए हैं, तो झूठ मूठ का फाइन आ जाएगा, इसीलिए एकदम अपना मस्त स्लो स्लो जाएंगे और यहाँ के काम से पहले फटाफट निपट लेते हैं। सो फाइनली झारखंड वेलकम सास, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। तो अब हम बिहार में नहीं है, हम एंटर कर चुके हैं झारखंड में, लेकिन अभी भी हमें यहाँ से 100-150 जैसा क्लॉक करना बाकी है, तो वो भी आज के आज ही क्लॉक करेंगे। और मे भी पॉसिबिलिटीज़ यही रहेंगे कि आज हम रिटर्न हो लें अपना जो काम है वो करके, क्योंकि घर तो नहीं जा पाएंगे लेकिन पटना तक का अपना जो है टारगेट मैं रख रहा हूँ आज, और अगर पटना भी आ जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी ये जो रोड है अभी ये पलामू से थोड़ी दूर पहले पड़ता है, तो ये बीच में इतना गंदा था कि जब भी मैं यहाँ से जाता था ना, पहले भी एक दो बार हम लोग यहाँ से गए हुए हैं, तो बहुत इरिटेट हो जाता था हमें, लेकिन अभी एकदम फर्स्ट क्लास A1 एक्सप्रेसवे टाइप बन चुका है। यहाँ पे एक टोल गेट भी है जो अभी ओपन नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा आपको यहाँ पे।
फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड लकीली आई वुड से टुडे वी हैव क्लॉक्ड 400 किलोमीटर सेफली। अब हम यहाँ पे जो है अपना एक छोटा सा है काम कुछ, वो जरा सा बहुत ज़्यादा पर्सनल है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो हम निपटेंगे और निपट के इमीडिएट यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। बाकी भी आने में जो आप लोगों को रोड दिखा 18-20 किलोमीटर का सुनसान एकदम जिग जैग, बहुत ही ख़तरनाक एरिया था, इसलिए हमने वहाँ ब्लॉग नहीं करा। मतलब गाड़ी भगाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए हम वहाँ से गाड़ी भगाते रह गए, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये आपको पता ही ना, डेंजरस रोड है, झारखंड में घुसे आदिवासी टाइप, तो वैसा कुछ था वहाँ पे, डर था, तो भगाते चले आए। अब कुछ खास नहीं है। सो फाइनली हमारा काम जो था झारखंड में आने का, वो पर्पस पूरा हो गया मेरा और मेरे मामा जी का। दिन भर आज, पहले इनसे मिल लीजिए, दिन भर आज बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेसफुल रहे हैं, रास्ते में बहुत थकान हुआ एकदम, दिन भर ट्रैफिक की का आप लोग पता ही, बिहार से यहाँ तक पलामू आने में 400 किलोमीटर हमने क्लॉक करा आज, और जो काम था हमने निपटा लिया है सक्सेसफुली, खाना वाना भी रुक के सब हो गया, तो अब निकल रहे हैं वापस घर के तरफ। तो और 400 किलोमीटर क्लॉक करना है, और अभी टाइम मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं, तो ये देख लीजिए 12:55 हो रहा है, तो अब देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। वैसे हमारा प्लान है कि हम रात भर ड्राइव ही करेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, बस चाय वाय पियेंगे रुक के। और ये फिलहाल अभी मैं झारखंड में ही हूँ, मिलते हैं फिर सीधा बिहार में चल के, तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो अभी ये आप लोग देख लो एक बार ऊपर बोर्ड अगर दिख पा रहा, तो पटना में 194 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर जैसा आज अभी धीरे धीरे अपने प्लानिंग जो है टारगेट था घर जाने का, वो कम हो रहा है अब 200 किलोमीटर ही। लेकिन नींद दोनों को बहुत तगड़ी आ रही है, मामा जी बहुत नींद में है और मुझे भी एकदम तगड़ी नींद आ रही है, तो देखता हूँ जहाँ तक खींच पाता है। ये बाकी आप लोग टाइम देख लें, 1:02 हो रहा है और एवरेज दिखा रही है 18.8, फ्यूल भी लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात है कि अब नाइट ड्राइविंग है, स्टार्ट है, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बताऊंगा नहीं। और झारखंड से निकलने से पहले हमने सोचा अपनी गाड़ी का जो है टैंक फुल करवा लें। वैगनार में फ्यूल का खुटी एक था, और अभी आप लोग देख लीजिए कितने में फुल हो रहा है, लाइट का कोई ज़रूरत नहीं, ऑफ कर लो लाइट। चलिए वो तो फुल होते रहेगा। बाकी कुल मिला के बात ये कि आज थकान हो गई बहुत ज़्यादा, और ये देख लीजिए गाड़ी, वैगनार गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं, चंदन बाबा की गाड़ी है मामा जी की, तो बेसिकली काम जो है अपने सब निपट उपट लिए। तो अभी प्लान आज यही है कि आज सुबह 3-4 जब भी बजे हम पटना पहुँचेंगे, और पटना जा कर रुक जाएंगे, क्योंकि कल भी कुछ काम है हमें, वो निपटा उपटा के फिर घर चलेंगे। तो हो सकता है इस ब्लॉग को हम पटना जाके एंड करें, फिर वहाँ से एक दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एकदम वहाँ से बिहार से झारखंड जाना, फिर झारखंड से घर जाके बनाने में एक बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरे ख्याल से भी उतना लंबा देख भी नहीं पाएगा, तो इस चीज़ को मैं दो पार्ट में कर दूँगा होपफुली। बाकी अभी एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 3000 में टैंक जो है फुल हो गया, एक खुटी ही पेट्रोल था सिर्फ गाड़ी में, 3020 रुपये में, मतलब 29 लीटर आया है पेट्रोल, टोटल 36 लीटर का टैंक होता है। तो टाइम देख लीजिए अभी 1:44 हो रहा है, और हम झारखंड से बाहर निकल गए हैं, ये झारखंड में ही अभी है, ये डाल्टेनागंज करके कुछ था है ना, अभी आप लोग इस वीडियो में स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि अब फटाफट से विद इन अ मिनट अभी वी आर एंटरिंग इन बिहार। अभी आप लोग को एक बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा, बिहार राज्य में आपका स्वागत है। सो हियर वी गो, नाउ वी हैव टू क्लॉक 400 किलोमीटर्स मोर टू गो टू आवर डेस्टिनेशन। ओके देन, वी विल मीट सून। अभी टाइम हो रहा है 2:06, और ऊपर आप लोग देख लीजिए औरंगाबाद मैं पहुंच चुका हूं, अभी जस्ट एंटर किया हूं। तो कुल मिला के बात है कि अभी बस गाड़ी रुकेगी नहीं, चलते जाएंगे। और आगे एक और बोर्ड है, उस पर भी लिखा हुआ है कि कितना दूर क्या है, वो चलिए वहां पर मैं लेके चल रहा हूं, बढ़वा दे रहा हूं। वाराणसी यहां से 165 किलोमीटर है, पटना यहां से 131, कोलकाता 510, देख लीजिए। तो चलो कुछ खास नहीं जा रहा है,
पटना 131 मतलब 100 किलोमीटर खींचना है, वहाँ जाकर रुक लेंगे। ये औरंगाबाद मार्केट अभी देख लीजिए कैसा सुन्न पड़ा हुआ है, ये भी कुछ कुछ दुकानें चालू है। तो सुबह के बज गए हैं 7 और अभी मैं पटना भी नहीं पहुंचा हूं, अभी हम अरवल जस्ट पार किए हैं। वो इसलिए कि हमारा प्लान था कि 3-4 बजे तक हम पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में रास्ते में इतना जोर से नींद आने लगा कि मैं वहीं पर औरंगाबाद से 10 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप पे साइड करके सो गया था मस्त। अभी उठा हूं, अरवल क्रॉस किया हूं और अब हम चाय वाय पियेंगे यहां पे, मैं और मामा जी। प्लान अभी तक अपना यही है, चलिए लेके आ रहा हूँ। इधर आगे मिल रहा है चाय, चाय पी के फटाफट से फिर आप लोगों से मिलते हैं। देख लीजिए पानी में से कैसे भाई ट्रैक्टर निकाल रहे हैं सब लोग। बाहर चला गया मतलब उतने गहरे पानी में से ट्रैक्टर एकदम ट्रॉली लेके मस्त आराम से निकल गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाय बने तो मैं पटना पहुंच गया हूं। ये है एम्स एलिवेटर, अभी मैं एम्स से चढ़ा हूं, अभी हम सीधा जाएंगे अभी मरीन ड्राइव। फाइनली हम सुबह पहुंच गए थे 8-9-10 बजे के अप्रॉक्स में पटना, और पटना आके हमने अपना काम किया दिन भर, जो जो काम था, एग्जीबिशन रोड भी गए, कुछ कुछ सामान लेना था गाड़ी का, और काम तो हो गया है। और फिर शाम हो चुका है और फिर हम लोग निकल रहे हैं बाइक से ही, थोड़ा सा काम निपटाएंगे, देखेंगे आज होपफुली आज निकल पाए तो ठीक है, वरना कल मॉर्निंग में निकलेंगे। बाइक अनलॉक कर लें, Thank you.